कबीरनगर में जिले के प्रभारी मंत्री पहुंची तो बीजेपी ने गर्मजोशी से अपनी मंत्री का स्वागत किया। मौके पर बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर सबसे पहले संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद उनसे जब निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज बाबा साहब की जयंती है, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में गोष्ठी कर रही है। बाबा साहब के विचार 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लगातार गोष्ठी हो रही है, उन विचारों पर गोष्ठी हो रही है। इस दौरान जैसे ही मीडियाकर्मियों ने बाबा साहब की जयंती के बारे में कुछ और पूछना चाहा तो पहले तो कुछ देर चुप रही, माना कि बाबा साहब की जयंती के बारे में उन्हें कुछ पता ना हो। कड़ा रुख जताते हुए उन्होंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह का सवाल सरकार में रहने वाले मंत्री को कुछ आता नहीं है, जेन्युइन सवाल पूछिए। आज बाबा साहब की जयंती पर जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरे देश में गोष्ठी कर रही है बाबा साहब के विचार, और हमारी पार्टी को 6 तारीख से, जैसे पार्टी के स्थापना दिवस 6 तारीख 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लगातार गोष्ठियाँ हो रही हैं। और हमारी पार्टी के संस्थापक हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वामी मुखर्जी, इन लोगों का मानवतावाद, आज बाबा साहब की जयंती पर जो है